Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा. आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं. इस टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन हम क्या ऐसा खास लेकर आए? हम जीएसटी पर आपको एक कंप्लीट तैयारी कराएंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. हम पहले जीएसटी के इतिहास की बात करेंगे, फिर जीएसटी पर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसकी बात करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. लोग कॉन्सेप्ट के बारे में अक्सर बचते हैं. हम आपसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि जीएसटी क्यों आया और जीएसटी के कैलकुलेशन में क्या कोई डिफरेंट है. लोग सुनते हैं ना कि जीएसटी आएगा तो चीज सस्ती हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, हम सारी बात करेंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, जीएसटी पर एमसीक्यूज. मतलब अगर आपने ये पूरा सेशन फॉलो किया तो जीएसटी में आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा जीएसटी आपको यहीं पर क्लियर किया जाएगा. दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं जीएसटी के इतिहास के साथ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जीएसटी की स्टार्टिंग हमारे इंडिया में हुई कैसे, हम उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं. यहां पर कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, उस पॉइंट की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये 2000 का मतलब 2000 ईयर है. जब 2000 साल था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीएसटी पर डिस्कशन शुरू किया कि जीएसटी आना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है ये काफी ज्यादा पेचीदा है, तो जीएसटी आएगा तो हमारे टैक्सेस फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, सबको आराम हो जाएगा. तो सन 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने जीएसटी पर बात शुरू की और इसके लिए इन्होंने असीम दास गुप्ता जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी. असीम दास गुप्ता जी कौन थे, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, असीम दास गुप्ता जी वेस्ट बंगाल के दैट टाइम पर क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और वाजपेयी गवर्नमेंट और असीम दास गुप्ता जी ने एक कमेटी को बनाया. ये कमेटी क्या थी, देख लीजिए यहां पर. इस कमेटी का नाम था विजय केलकर कमेटी. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, जिसे लर्न करना पड़ेगा. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो आपको याद रखना होगा कि विजय केलकर कमेटी थी. आप ये मत बोलना विजय केलकर कमेटी ये कौन थे, ये 13th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है? विजय केलकर, तो भूलिएगा नहीं, विजय केलकर कमेटी आपको लर्न करनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है. ये टॉपिक, ये पॉइंट यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो विजय केलकर कमेटी को बनाया गया, जो कि जीएसटी पर अपना काम कर रही थी. लेकिन हुआ क्या, 2004 में एनडीए गवर्नमेंट गिर गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई. लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के आने पर भी जीएसटी पे वर्क खत्म नहीं हुआ. दैट टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर बने पी चिदम्बरम और इन्होंने जीएसटी पर काम आगे जारी रखा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, आप जानते ही हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जीएसटी पास तो नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जीएसटी पास हो गया. तो जीएसटी जब पास हुआ, जीएसटी जब आ गया, तो उससे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं. तो ये कुछ इतिहास था कि 2004 के बाद जो इस पर ड्राफ्ट गाइडलाइन शुरू हुई वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू की और विजय केलकर कमेटी तब भी थे. तो विजय केलकर कमेटी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई, उसके बाद कई बार जीएसटी पर बात भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीएसटी पास नहीं हो पाया. तो जीएसटी पास हुआ, उसके क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हम अभी देखने जा रहे हैं. तो जैसा मैंने बोला कि जीएसटी जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम की आप बात करें, तो जीएसटी का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है. अभी रेलवे के एग्जाम हुए, उसमें जीएसटी पर क्वेश्चन आए. बैंकिंग में तो हमेशा जीएसटी पर क्वेश्चन आता है. तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि जीएसटी पर आपको हम कंप्लीट नॉलेज दे दें. अभी कुछ देर पहले हम जीएसटी के इतिहास की बात कर रहे थे, अब हम जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसकी बात यहां पे कर रहे हैं. सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट की बातें हैं, आपको बस पॉइंट पर फोकस करना है. आप जानते हैं मुझे, मैं केवल पॉइंट पर बात करता हूं कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. देखिए यहां पर, देखिए, तो अब बात करते हैं कि जीएसटी जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ वो कैसे कैसे पास हुआ. एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी जो पेश किया गया तो वो बिल कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था, तो आपको याद करना है 122, यानी 122 जो है, मतलब 122वां अमेंडमेंट बिल था, 122वां अमेंडमेंट बिल था, बिल की बात कर रहे हैं यहां पर, जो पास हुआ हमारे पार्लियामेंट में, जो प्रेजेंट हुआ हमारे पार्लियामेंट में. उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट था. आप जानते हैं हमारे संविधान के बारे में, चीजें पहले से बन गई हैं, और अगर हमें चीजों को चेंज करना है तो हमें अमेंडमेंट, संशोधन बिल पेश करना होता है. बिल की बात कर ली, तो ये कौन सा संशोधन था, हम उसकी बात करते हैं. तो ये 101वां संशोधन था, देख लीजिए यहां पर, ये आपको लर्न करना है. संविधान में जो बन गया है, अगर उसे हमें चेंज करना है तो हमें कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, तो संशोधन बिल 122वां, लेकिन कौन सा संशोधन था, तो 101, ये आपको लर्न करना है, ठीक है? एक बात और, आपको पूरा प्रोसेस पता है कि गवर्नमेंट जब कुछ बिल बनाती है या एक्ट बनाती है तो क्या होता है, ये लोकसभा में,
राज्यसभा में, और फिर इसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट जब तक अप्रूवल नहीं देता है तब तक बिल पेश नहीं होता है, तब तक कोई चीज़ नहीं बनती है। तो लोकसभा में आपका बिल पास होना जरूरी है, राज्यसभा में आपका बिल पास होना जरूरी है, लास्ट में प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी जरूरी है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीएसटी का जो बिल पेश हुआ है ये किस दिन लोकसभा में, किस दिन राज्यसभा में, और किस दिन प्रेसिडेंट के सामने आया। देखिए यहाँ पर लोकसभा, लोकसभा की बात करें तो जो बिल है वो हमारा 8 अगस्त 2016 को पेश हुआ और पास भी हो गया, और राज्यसभा की बात करें तो 3 अगस्त 2016 को ये पास हुआ है राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट के सामने कब आया उसकी बात कर ले तो प्रेसिडेंट की बात करें तो 8 सितंबर 2016। गाइस अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बिकॉज जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो 8 सितंबर 2016। अच्छा वोटिंग की बात कर लेते हैं, वोटिंग का डेटा जल्दी मिलता नहीं है हमको नेट पर, एक बार देख लेते हैं। तो जीएसटी पर जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ, तो फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में कितने वोट पड़े ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देख लीजिए यहाँ पर 336 वोट्स पड़े हैं, 336 वोट पड़े गवर्नमेंट के फेवर में, और अगेंस्ट की बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो अगेंस्ट की बात करें तो 11 वोट्स पड़े। बड़े मजेदार फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, अभी और फैक्ट आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे जीएसटी में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, पूरा एक डेटा हमने आपको यहां पर दिया है, लेकिन कहीं जाए नहीं, अभी और डेटा इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है। तो गाइज और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं, हमने क्या बोला था जीएसटी पर बड़े मजेदार फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और ये सारे फैक्ट्स मजेदार तो हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए देखते हैं और क्या फैक्ट हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बात हुई कि जीएसटी हमारे कंट्री में पास तो हो गया, लेकिन वो कौन सा पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट कराया, और आंसर क्या होगा, आंसर होगा असम। तो असम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को अपने अंदर, अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट कराया, और लास्ट की बात करें तो लास्ट कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। आपके कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेट एंड लास्ट स्टेट जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर। आगे बात करते हैं, तो देखो आपने एक चीज सुनी होगी, हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब जीएसटी आया तो जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए तो कितने मर्ज हुए उसकी बात कर लेते हैं। तो जीएसटी जब आया तो हमारे देश के 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस। सेस का मतलब आप कह सकते हो कि टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लग जाता है, उसे हम सेस बोलते हैं। तो सेस की डेफिनेशन एग्जैक्टली में ये है नहीं कि टैक्स के ऊपर टैक्स, एक कह सकते हो कि एडिशनल चार्ज लगता है, उसे हम सेस बोलते हैं। ठीक है, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस जो है ये जीएसटी में मर्ज होकर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये मर्ज का मतलब या इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं जीएसटी के बारे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अभी तो हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखो फोर्थ पॉइंट, इंडियन जीएसटी मॉडल। हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि जो हमारा इंडिया का जीएसटी मॉडल है वो किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री से कॉपीड है। ठीक है, देखो तो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा, ये आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा, तो हमारा जीएसटी मॉडल कनाडा पर बेस है। एक बात और, कनाडा और इंडिया के जीएसटी में सिमिलरिटी एक ये है कि हमारे यहां ड्यूअल टैक्सेशन चलता है, ड्यूअल जीएसटी। कैसे, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है ड्यूअल टैक्सेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन चुका है कि इंडिया के अलावा वो कौन सा देश है, वो सिर्फ कौन सा देश है जहां पर ड्यूअल टैक्सेशन है, मतलब जीएसटी है, तो वो कौन सा है, कनाडा है। अब ड्यूअल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये फोन खरीदते हो, अब मान लो कि फोन पर जीएसटी 18% है, 18%, तो 18 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 9% और 9%, 9% लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% जो बचा वो लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सुना होगा CGST या स्टेट गवर्नमेंट सुना होगा SGST, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो जीएसटी का मॉडल था वो कनाडा पर बेस्ड है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, हमारे पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा देश था जिसने जीएसटी को सबसे पहले अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कराया। तो गाइस आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे देखो फ्रांस, 1954। तो फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी को अपने अंदर, अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट कराया। गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्रांस की बात कर लो, चाहे आप कनाडा की बात कर लो, आप चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लो, स्टेट की बात कर लो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटी पर आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस जीएसटी पर हम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। एक बात बस ध्यान देना कि अभी हम रिसेंटली केवल एग्जाम के पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सारी बातें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी बहुत डीप में, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, चलिए अब हम और पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी
ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल यहाँ पर देखिए 246A लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन का मतलब हो गया कुछ कुछ नई चीज़ें या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ स्पेशल प्रोविजन। अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट देने जाती है तो उसके लिए आर्टिकल 246 है, लेकिन जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी मतलब आर्टिकल 246A। तो कोई भी स्पेशल प्रोविजन है जीएसटी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट अगर बनाती है तो वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है, आर्टिकल 246A। इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल भी एग्जाम के लिए जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला है, गवर्नमेंट पे फुल कंपनसेशन फॉर 5 ईयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। मतलब अब जीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट को लॉस कैसे होगा ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होना है, एक बात समझिएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले 5 साल तक जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हुआ है जीएसटी की वजह से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी पूरा का पूरा कंपनसेशन 5 साल तक के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट ऐसी तरह प्लान बनाई थी कि पहले साल हम 100% देंगे, फिर 80%, फिर 60%, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद गवर्नमेंट ने चेंज किया और अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम पूरे पहले 5 साल तक आपका पूरा लॉस पे करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है, 5 साल की बात यहां पे हो रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आईजीएसटी जो है वो किस आर्टिकल में आता है ये भी देखना है। तो आईजीएसटी जो है कम्स अंडर आर्टिकल 269A। आर्टिकल आपको लर्न करना है और ये जो हमारा वीडियो है ये अभी हम इस पर बात कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 269A में क्या है, हमारे आईजीएसटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे देश में जीएसटी में टैक्स स्लैब कितना है, कई लोग बड़े इसमें कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली में जीएसटी में रेट्स कितने चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 5 टैक्स स्लैब हैं आपके, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। लोग आपको यहां से पढ़ाएंगे 5, 12, 18, 28, लेकिन आप एक बार याद रखिए कि आप समझदार हैं, तो 0% को भी बाद में ऐड किया गया है, 0, 5, 12, 18, 28%, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो जीएसटी आपको 3 टाइप्स के पढ़ाए गए होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, लेकिन दोस्तों एक जीएसटी और है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यानी कि हमारे देश में जो जीएसटी है वो 4 टाइप्स के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, जो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ एग्जाम के क्वेश्चन की बात हो रही थी और अभी एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट रह गया है जहां पर हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है उसके लिए मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। और एक बात और, जो हमारा जीएसटी का एमसीक्यूज है उसे जरूर देखिएगा, वहां पर हमने आपके लिए कई क्वेश्चंस बनाए हैं जहां पर आपको हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो हम आगे बढ़ने आ रहे हैं और बात करने आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल पे। दोस्तों अब हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल पर थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी जो काउंसिल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन दिया गया है, तो जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, 279A। ये आपको लर्न करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आर्टिकल से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो आर्टिकल आपको लर्न करना है, आर्टिकल 279A। इसके बाद क्या, एस्टैब्लिशमेंट। तो जीएसटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया है, जो क्या है, 12 सितंबर 2016। ये चीज भी लर्न करनी है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो राइट नाउ देयर आर 33 मेंबर्स, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, जीएसटी काउंसिल में सबसे ऊपर कौन होता है, तो ऑफकोर्स कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन बोल लो या सबसे ऊपर बोल लो, ठीक है। अच्छा अब इनके अंडर में कौन कौन लोग होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कैसे कैसे, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यहां पर होते हैं, और यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, आपने नाम सुना है ना, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन आपने ये भी सुना होगा यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो उनको सेलेक्ट करता है कौन, यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग होते हैं। अच्छा होता क्या है एग्जैक्टली में, जब कोई भी बात आती है कि जीएसटी में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो प्रॉपर एक वोटिंग होती है, वोटिंग राइट्स की बात करें, और वोटिंग राइट्स की बात करें तो हमेशा हमेशा ज्यादा पावर दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आप देख लो यहाँ पे 2/3 पावर इनको मिली गई है और इनको यहाँ पे 1/3 पावर मिली है। अगर आपको ये 1/3, 2/3 नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए, आपके लिए इतना ज्यादा समझना भी नहीं है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बुरा वक्त आया था कभी, बुरा वक्त आ गया और ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 2/3 इनको बहुमत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। तो हम बात कर रहे थे जीएसटी की, एक बात और, अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर के बाद कौन है,
तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि आपको हमारे जीएसटी का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी एमसीक्यूज बचे हैं और अभी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। आप जब तक पूरा जीएसटी नहीं पढ़ लोगे, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होंगे, हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ एक दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए, और कॉन्सेप्ट की बात अभी हम करने जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं जो आपको एक नोट्स बना लेनी है, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, जहां पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये था जीएसटी पार्ट वन हमारा, जहां पर हमने केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस की बात की, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसके पॉइंट टू पॉइंट हमने बातें समझा दी। अब हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे, जहां पर सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जीएसटी के कैलकुलेशन की, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी क्यों आया, क्या कमी थी पहले के टैक्सेस में, और हमारे देश में कितने टाइप की जीएसटी है, ये सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये आईजीएसटी क्या होता है, और ये यूटीजीएसटी क्या होता है, हम सारी बात करेंगे पार्ट टू में। तो पार्ट वन कैसा लगा आपको हमें कमेंट दें, और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास जीएसटी की है तो आप हमको बताएं, ताकि उसे हम और भी इंक्लूड करके वीडियो को और ऑसम बना सकें। तो गाइस, मिलेंगे आपको अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट में बेसिकली एमसीक्यूज होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो बताएं जरूर। थैंक यू।